मीडिया और भक्तों पर बुरी तरह भड़के नीरज चोपड़ा। तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है और मुझे काफी दुख है कि जो इस बात को मेरा सहारा लेके एक इतना जो बड़ा है इसको मुद्दा बना रहे हैं। वीडियो जारी कर दिया जवाब। तो मैं आप सभी से यही विनती करता हूं कि ऐसा ना करें। स्पोर्ट्स सभी को मिलके चलना सिखाता है। पाकिस्तान का नाम लिए बिना मनु मीडिया का खाना हजम ही नहीं होता। मसला कुछ भी हो, ये लोग पाकिस्तानी कनेक्शन ढूंढ ही लेते हैं। ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करने वाले जेवलियन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के नाम पर भी मनु मीडिया ने जहर फैलाना शुरू कर दिया, लेकिन खुद नीरज चोपड़ा ने घटिया पत्रकारों की जहरीली पत्रकारिता को बेनकाब कर दिया। दरअसल नीरज चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ओलंपिक में मेरा जेवलियन पाकिस्तानी खिलाड़ी अरशद नदीम के पास था और मैं उसे ढूंढ रहा था। जब नदीम के पास जेवलिन देखा तो मैंने कहा कि भाई मेरा जेवलिन मुझे दे दे। लेकिन नीरज के इसी बयान पर घटिया मीडिया ने अपना जहरीला एजेंडा चलाना शुरू कर दिया। मीडिया ने खबर चलाई कि बारी से ठीक पहले नदीम ने नीरज का जेवलिन छुपा लिया था ताकि वो खेल ही ना सके। इस खबर को लेकर सोशल मीडिया पर भी भक्तों ने गंद मचाना शुरू कर दिया। लेकिन इस बारे में खुद नीरज चोपड़ा ने सामने आकर भारतीय मीडिया के नफरती चरित्र को उजागर करते हुए उसे बेनकाब कर दिया। नीरज ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया और मीडिया को जमकर फटकार लगाई। सुनिए नीरज ने क्या कहा। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतनी दुआएं दी, इतना प्यार दिया और काफी अच्छा लग रहा है। और साथ में मैं बताना चाहूंगा कि एक अभी मुद्दा उठ रहा है कि जो एक इंटरव्यू में मैंने कहा कि जो एक जो जेवलिन है पहले थ्रो करने से पहले मैंने अरशद नदीम जो पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोर है उससे जेवलिन ली, तो उसका काफ़ी बड़ा मुद्दा बना दिया है। जो कि एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि हम जो हमारी पर्सनल जेवलिन होती है वो हम उसमें रखते हैं, पर उसको सभी थ्रोवर उसको यूज़ कर सकते हैं, ये रूल है। तो बिल्कुल ऐसा उसमें कोई गलत नहीं है कि वो जेवलिन लेके वो प्रिपेयर कर रहा था अपनी थ्रो के लिए और मैंने अपनी थ्रो के लिए उसको मांगा। तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है और मुझे काफ़ी दुख है कि जो इस बात को मेरा सहारा लेके एक इतना जो बड़ा है इसको मुद्दा बना रहे हैं। तो मैं आप सभी से यही विनती करता हूं कि ऐसा ना करें। स्पोर्ट्स सभी को मिलके चलना सिखाता है और हम सभी जेवलिन थ्रोर आपस में प्यार से रहते हैं, सभी आपस में अच्छे से बात करते हैं, तो कोई भी ऐसी बात ना कहें जिससे हमको ठेस पहुंचे। थैंक यू। तो इस तरह नीरज चोपड़ा ने मनुवादी मीडिया और भक्तों की पोल खोल दी। नीरज चोपड़ा के भारतीय कोच भी मुस्लिम हैं और उनका नाम है नसीम अहमद। नीरज अपने कोच का बहुत सम्मान करते हैं। ओलंपिक में गोल्ड जीतने के बाद भी नीरज ने पाकिस्तानी खिलाड़ी नदीम के बारे में कहा था कि अगर वो भी मेडल जीतते तो अच्छा होता। यानी नीरज ने ना सिर्फ शानदार खेल भावना का इजहार किया बल्कि आपसी भाईचारे और मोहब्बत का भी मैसेज दिया। लेकिन कुछ घटिया मीडिया संस्थानों को नफरत फैलाने से ज्यादा मजा किसी बात में नहीं आता। लेकिन नीरज ने जिस तरह से मीडिया के घटियापन को उजागर किया है वो काबिले तारीफ है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट के जरिए जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।